हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड लव। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ टेस्टी एंड यमी राजमा राइस की रेसिपी। तो सबसे पहले हम राजमा को रात भर के लिए भिंगो के छोड़ देंगे। हमारे राजमा बिल्कुल अच्छे से फूल चुके हैं, तो उसे अच्छे से वॉश करके कुकर में डाल लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो अब इसमें ऐड कर देंगे पानी। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, हल्दी और हींग, और इसे हम 2 से 3 सीटी तक पका लेंगे। हर जगह के राजमा का थोड़ा थोड़ा पानी का टेस्ट अलग होता है, जैसे राजमा कम और ज़्यादा टाइम लगता है कुक होने के लिए। फिर हमने 2 टमाटर, अदरक, लहसुन, थोड़े गरम मसाले ले लिए थे, तो मैंने सारे गरम मसाले मिक्सर जार में डाल दिए। अब मैं इसमें प्याज, अदरक और लहसुन डालूंगी। मैंने ये जो प्याज दे रखे हैं, ये प्याज पत्ते वाले प्याज है, आप नॉर्मल प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। और एक तरफ कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था, उसमें मैंने नॉर्मल प्याज को हल्का स्लाइस करके डाल दिया फ्राई होने के लिए। अब हमारे राजमा बनके बिल्कुल रेडी हैं, तो हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। इसका पानी बिल्कुल नहीं फेंकना है, हम वही पानी अपने ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। तो हमारे प्याज एक तरफ फ्राई हो रहे हैं और हमारा मसाला भी पिस चुका था, अदरक, लहसुन, प्याज और थोड़े गरम खड़े गरम मसाले वाला। तो कुकर में सरसों का तेल डाला, तेल गर्म होने के बाद उसमें जीरा, मेथी, हींग। अब हम उसमें अपना प्याज का मसाला ऐड कर देंगे। उसे कुछ देर भुनने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे टमाटर का प्यूरी, उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम उसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे। जब हमारा मसाला अच्छे से भुनने लगेगा, तब हम अपने प्याज जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे, भुने हुए प्याज, उसका एक पेस्ट डालेंगे। उसमें हम डालेंगे काजू, थोड़ा सा पानी और उसका एक अच्छा पेस्ट बना लेंगे। अब हमारा जो पहले वाला मसाला था, वो काफ़ी अच्छे से भुन चुका है, तो हम इसमें ऐड करेंगे अपने काजू और प्याज का पेस्ट और इसे अच्छे से भुनेंगे। इस तरह से अगर आप राजमा बनाते हो, तो आपको राजमा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला राजमा आप घर पर बना के खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है ये। तो मैंने थोड़ा सा लो टू मीडियम फ्लेम पर अपने मसालों को भुना है, ताकि मसाले अच्छे से तेल रिलीज़ कर ले। तो मैं इसे बार बार ढक के ही भून रही हूँ, ताकि हमारे जो मसाले हैं, उसका स्मेल, फ्लेवर बिल्कुल अच्छा सा है। तो अब हमारे मसाले बिल्कुल अच्छे से भून चुके हैं, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया अपना राजमा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, फिर ढक के 2 से 3 मिनट तक और कुक करेंगे। फिर उसमें ऐड करेंगे हमारा जो राजमा वाला पानी बचा हुआ था, बॉइल्ड वाटर, वो हम उसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा और नमक डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हम कुकर बंद करके 2 सीटी तक और कुक कर लेंगे, ताकि हमारे मसाले बिल्कुल बराबर से पक जाए। तो हमारा टेस्टी यमी राजमा बन के बिल्कुल रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म चावल के साथ, फुलकों के साथ सर्व करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, एंजॉय योर डे, और ये रेसिपी बनाकर अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। बाय बाय।